हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और अपडेटेड वीडियो में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। 26 अगस्त 2024 आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 26 अगस्त 2024 के सुबह 9 बजे तक के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं सीएट में शामिल यूनिवर्सिटीज़ की वो शेयर करूंगा। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो एक्सक्लूसिव जानकारी होती है वो आपको ईमेल के थ्रू हासिल हो सकती है। सबसे पहले नज़र डालते हैं सीएट में शामिल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पर। आप यहाँ देख सकते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। आप स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि क्या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, डीम में हो सकता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मौका नहीं मिला है आपको तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी है। शुरुआत मैं करूँगा आज साउथ की यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जारी कर दिया है। लिंक को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं और इन कैंडिडेट्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑफलाइन काउंसलिंग होगी 5 सितंबर और 6 सितंबर। और आप इन जो भी लिंक्स हैं इनको आप क्लिक कर आप देख सकते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। जब लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट शेड्यूल आ जाएगी। ये 8 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको आप स्क्रॉल करके देख रहे हैं। फॉर्म नंबर वाइज कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जो भी कैंडिडेट्स का नाम है उनको आना है। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के सीट्स हैं और इसके आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। चेकलिस्ट भी देख ली डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है इसलिए आप अपने साथ पैसे भी ले जाएं, एडमिशन फी लेकर ज़रूर जाएं। तो आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बाद इफ्लू ने अब सेकेंड राउंड के लिए कोई नोटिस अभी तक नहीं जारी किया है। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग यूजी प्रोग्राम्स की लिस्ट प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते ही जारी किया था। आप लोकेशन वाइज लिस्ट शेयर कर सकते हैं। हैदराबाद, शिलांग और लखनऊ में इस यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। वहीं पीडब्ल्यूपीडी एंड वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल की कैटेगरी की लिंक यहाँ आप देख सकते हैं। आगे ये शेड्यूल है, एडमिशन शेड्यूल है, काउंसलिंग शेड्यूल है इफ्लू का, आप इसे आप स्क्रॉल कर देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, अब तो कोई भी इसमें डेट बची नहीं है, सारी डेट्स ओवर हो चुकी हैं। तो फर्दर कोई भी नोटिस आएगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी भी आप पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के लिए, फाइव इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम्स के लिए 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ने फोर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड प्रोग्राम, अगर आपने एनसीटीई का एग्जाम दिया है तो आप 7 सितंबर तक इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से दो अपडेट्स कई दिनों से चल रही हैं। एक अपडेट है नोटिफिकेशन फॉर स्पॉट एडमिशन, दूसरा प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। तो पहला देखते हैं ये स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस से आप देख लें, जिन लोगों ने सीएट यूजी नहीं दिया है उनके लिए नोटिस आई है। अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आपको दी हुई है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप 27 अगस्त यानी कल तक इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं जो लोग सीएट दिए हैं उनके लिए मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप 28 अगस्त तक फी पेमेंट कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ने रिवाइज शेड्यूल जारी किया है मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट का, और इससे पहले यूनिवर्सिटी ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया था। तो आप देख सकते हैं शेड्यूल रिवाइज किया गया, इस शेड्यूल को आप देख लें। इसी के अकॉर्डिंग आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, जो प्रोसेस है ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट राउंड के मेरिट लिस्ट को जारी किया है 23 अगस्त को, उसके बाद 28, 31, 4 यहाँ पे सितंबर होना चाहिए, यहाँ पे टाइपो एरर हो गया, 9 सितंबर और 12 सितंबर। आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों का नाम लिस्ट में है आप यहाँ से इस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। केरल की बात करें तो सिर्फ एक कोर्स ही यूजी लेवल पर है और जो मैं रोजाना आपको शेयर करता हूँ बीए इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं आई है केरल से। आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इस यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट तो जारी कर ही दिया है। आप यहाँ पे सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स को क्लिक कर आगे की जानकारी आप हासिल कर लें। और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ने अनाउंसिएट यूजी के थ्रू एडमिशन के रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन इन्वाइट किया है। इसके अलावा पीजी की कुछ नोटिसेज आती हैं जो नीचे हैं,
सीएट यूजी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस इस यूनिवर्सिटी से नहीं आई है। वहीं बात करें मिजोरम यूनिवर्सिटी की, तो आईटीबी के थ्रू आप बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड में 27 अगस्त तक इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और आगे जो भी डिटेल्स आपको पढ़नी है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेहू की बात करें तो एक के बाद एक अपडेट्स आती रहती हैं। नॉन सीएट पोर्टल के थ्रू एडमिशन के रिगार्डिंग ये नोटिस आई है, इसके अलावा पुरानी नोटिसेज भी हैं। आप आईटीपी के थ्रू बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 31 अगस्त, जो कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पे लिंक दी हुई है। आप इस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लें और अप्लाई कर दें अगर आप आईटीपी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के बीएससी बीएड बीए बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहीं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की अपडेट्स आपको यहाँ दिखती है, यहाँ पे आप लिंक्स को क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरिट लिस्ट है जो जारी की गई है, और एडमिशन पोर्टल, एडमिशन टू वेरियस आईएमडी प्रोग्राम्स, ये सारी जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। इस पोर्टल पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी नॉन सीएट के थ्रू भी एडमिशन प्रोसेस करवा रही है। त्रिपुरा के बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश कोई अपडेट नहीं आई एक हफ्ते से। वहीं बात करें सिक्किम यूनिवर्सिटी की, तो आप 26 अगस्त यानी आज तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इन चार कोर्सेज के लिए, बैचलर इन कॉमर्स, हिंदी, म्यूजिक एंड साइकोलॉजी। और ये शेड्यूल दिया हुआ है एडमिशन का, इसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आगे प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो आप इसे ध्यान से देख लें। और जो भी जानकारी है आपको इसी पोर्टल पर मिलेगी, स्वेट समर्थ पोर्टल पर। आगे बढ़ते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये नॉर्थ की यूनिवर्सिटी है, पहाड़ों की यूनिवर्सिटी है। कई लिस्ट आई है, 25 को लिस्ट आई है, इसको आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट आई है बैचलर ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट की। वहीं तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में सीएट के थ्रू एडमिशन काफी कम होते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मिलेंगे। जब लिंक क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये नोटिसेज यहाँ आती हैं। यहाँ पे अलग अलग नोटिसेज आपको दिखेंगी। सीएट यूजी एडमिशन 23 अगस्त को ये नोटिस आई थी, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग डेट्स, तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई। उसके अलावा वैकेंसी स्टेटस और दूसरी अपडेट्स आपको इस पेज पर मिल जाएगी तेजपुर यूनिवर्सिटी की, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है। इसको आप स्क्रॉल करके इस पेज को देख सकते हैं, ये नोटिसेज हैं। अब रुख करते हैं नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज पर। शुरुआत में करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए गाइडिंग नोटिस जारी किया है। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग एडमिशन कम एलोकेशन 25 अगस्त को वेरियस कॉलेजेस में किया गया है। 25 अगस्त को ये लिस्ट जारी की गई है, और जिनका भी नाम है उनको 29 अगस्त तक फीस सबमिशन करना है। और ये सारी जानकारी है, इसे आप देख लें, इसे आप पढ़ लें, क्या क्या जानकारी है। कुछ कैंडिडेट्स हु हैव बीन सर्टिलेशन नाउ टू आर एडवाइज टू लॉग इन देयर डैशबोर्ड एंड एक्सेप्ट द एलोकेशन टिल 27 अगस्त तक एलोकेशन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फी आप 30 अगस्त तक सबमिट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में बीए बीएड बीएससी बीएड आईटीपी के थ्रू एडमिशन की आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इसके अलावा पुरानी नोटिसेज आपको दिखती हैं। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के इन तीन यूजी कोर्सेज के लिए आप देख रहे हैं कि लास्ट डेट आज यानी 26 अगस्त तक है। आप इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप नोटिस को भी पढ़ सकते हैं। ये नोटिसेज में आप 26 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया था 23 अगस्त को। लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो भी नोटिस आई है वो पब्लिश होंगी 27 अगस्त को आफ्टरनून में, और उसके बाद काउंसलिंग होगी 29 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के सेकेंड राउंड के हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट यूजी कोर्सेज की आ चुकी है। यहाँ पे नोटिस है और यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट है। आप खुद से भी लिंक्स को क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने नाम को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे। डोजियर्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कैसे आप डाउनलोड करेंगे, क्या है डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या ले जाना है, तो आप इस वीडियो को देख लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के हॉस्टल के बाद आप एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आती हैं, जो अपडेट्स आई हैं यूनिवर्सिटी ने सेकेंड राउंड के लिए यूजी के रिगार्डिंग नोटिस जारी की थी, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक्स आपको मिलेंगी। ये चार कोर्सेज में अभी फिलहाल कट ऑफ जारी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री 27 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं सोशियोलॉजी के लिए 27 अगस्त तक सारे कैटेगरीज के कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए पेमेंट फी लिंक ओपन होगी, सारे लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की नोटिस जारी हो चुकी है। फोर्थ काउंसलिंग कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट और उसकी नोटिस है, शेड्यूल है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं शेड्यूल है, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड की शेड्यूल है काउंसलिंग एडमिशन की। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दी गई है, लिस्ट को आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
जामिया मिलिया इस्लामिया सीएट के रिगार्डिंग जो भी जानकारी आती है एडमिशन के रिगार्डिंग यूजी कोर्सेज के लिए आपको यहाँ स्क्रॉल में ही दिखता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल हो रही है, ये ऊपर रेड कलर में स्क्रॉल हो रहे हैं, यहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। फिलहाल लास्ट नोटिस आई थी अर्जेंट नोटिस, यहाँ पर कुछ लोगों के एडमिशन नंबर गलत थे तो उसको करेक्ट करने के लिए 25 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। तो आपका अगर एप्लीकेशन आईडी नंबर गलत था तो आपको ईमेल करना था, अब ये डेट क्लोज हो चुकी है। वहीं रुक करते हैं बीएचयू का, तो वेबसाइट अभी डाउन है बीएचयू में। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड राउंड के लिए सीट एलोकेशन हुई थी, उसकी फी पेमेंट की आखिरी तारीख थी 25 अगस्त, इसके बाद कोई जानकारी आई नहीं है। आज जन्माष्टमी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नोटिस आ जाएगी, तो कल नोटिस आ सकती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, नोटिस लाई थी 3 अगस्त को, उसके अकॉर्डिंग आप 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते थे यूजी कोर्सेज के लिए, अब फर्दर उसमें कोई एक्सटेंशन किया नहीं गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें तो बीबीए की नोटिफिकेशन आई थी, उसके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नोटिस आप देखेंगे तो ये कंप्लीट हो चुका है 23 अगस्त को, उसके बाद अभी लेटेस्ट अपडेट्स आई नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो सेकंड राउंड की कट ऑफ लिस्ट यूजी प्रोग्राम्स की जारी की गई है, साथ ही साथ जो फर्दर जानकारी है कट ऑफ लिस्ट की आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की गई है, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज्यादा हैं तो आपको फी पेमेंट करना था, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आई थी जिसमें बताया गया था 25 अगस्त तक फी पेमेंट का। अब वो लिंक क्लोज हो चुकी होगी, आप ज्यादा जानकारी के लिए नंबर से कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी की बात करें तो जो 4 कोर्सेज यूनिवर्सिटी यूजी लेवल पर ऑफर कर रही है उनके लिए काउंसलिंग की शेड्यूल भी आ चुकी है और सारे आगे के प्रोसेस को आप यहां से लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में 25 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते थे यूजी कोर्सेज के लिए, उसके लिए फर्दर अब कोई एक्सटेंशन नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जानकारी है 25 अगस्त तक था, अब फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट 28 अगस्त को जारी की जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करें तो यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग है, रजिस्ट्री कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो जारी हो चुकी है, शेड्यूल जारी हो चुकी है, जिनको हॉस्टल चाहिए उसके लिए विलिंगनेस फॉर्म की लिंक भी आ चुकी है, नोटिस भी आ चुकी है। पहले हॉस्टल की नोटिस देखते हैं, ये नोटिस है तो नोटिस के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है तो आप इस गूगल लिंक के थ्रू डॉक्यूमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी है 17 कोर्सेज के लिए, आप यहाँ से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद आप काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है, ऑफलाइन काउंसलिंग है, आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है, काउंसलिंग में भाग लेना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ ले जाएंगे उसकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद रुख करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने 20 अगस्त के बाद कोई भी नई अपडेट जारी नहीं की है, फिलहाल आपको और वेट करना पड़ सकता है। वहीं बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो अभी भी सीएट के थ्रू एडमिशन के रिगार्डिंग जो शेड्यूल है वो चल रही है, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल को लिंक को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी शेड्यूल है। अभी सेकेंड राउंड के एडमिशन चल रहे हैं तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आपने अगर चूज किया था अभी आप भाग ले सकते हैं एडमिशन प्रक्रिया में। सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग डेट्स जो हैं वो 27 से शुरू होंगी, 26 तक लास्ट डेट है फीस सबमिशन का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूजी एडमिशन की आपको पहले भी बताया था, प्रोग्राम वाइज प्रोविजनल मेरिट जारी की जा चुकी है, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग एकेडमी फी ये भी पहले की नोटिस है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन बीएससी बीएड के लिए लिंक को क्लिक करेंगे तो आप 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यूनिवर्सिटी के आईटीपीई के थ्रू बीएससी बीएड के लिए। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की बात करें तो कोई भी नई अपडेट पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। वहीं बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल की तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस पेज पर मिलती है, आप लिंक्स को क्लिक कर ये पेज है आप खुद से वेबसाइट विजिट कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं बात करें गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर की तो आप देख रहे हैं कि करियन इंटेक पीजी फॉरेंसिक इंटेक ये नई नोटिस आई है, इसके अलावा मेरिट लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी थी तो मेरिट लिस्ट को आप यहाँ इस लिंक से देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जारी हुई है, आप खुद से भी जारी कर सकते हैं, यहाँ बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट है और उसके अलावा पुराने नोटिस हैं, और उसके बाद बीकॉम के नोटिस के बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी मिलती है। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे देखेंगे फी पेमेंट के रिगार्डिंग यूजी काउंसलिंग की लास्ट नोटिस 24 अगस्त को आई है और उसके अकॉर्डिंग जो बातें कही गई हैं आप यहां से पढ़ सकते हैं। और लास्ट में असम यूनिवर्सिटी की सीएट यूजी के थ्रू एडमिशन के रिगार्डिंग कोई नोटिस तो है नहीं, पुराने नोटिस दिख रहे हैं, लिंक को क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं।